Welcome to my Institute Gurukul classes. Let's start with concept. Concept is power. Mathematics. And mostly welcome to my institute. Changing the way of learning. I'm Chandan Kumar. Once again, welcome to you. Now in this video, I will discuss about some questions of arithmetic progression. आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं समानांतर श्रेणी की कुछ क्वेश्चन की. तो जरा देखिए समानांतर श्रेणी का क्वेश्चन कहता है क्या. कह रहा है AP के प्रथम 51 पद ज्ञात कीजिए. कितने पद ज्ञात कीजिए? 51 पद ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः दिया हुआ है. तो जरा देखिए सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे. तो जरा देखिए कुछ मान लेते हैं हम लोग. क्या करते हैं, माना कि क्या है प्रथम पद क्या है, ए है. ए को प्रथम पद मान लिया. अब जैसे कहा दूसरा पद और तीसरा पद ना, तो एक राह से एक कम डी लेना है. तो दूसरा पद का है तो हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस डी लेंगे बराबर 14. तीसरा पद का है तो ए प्लस 2d बराबर 18. ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और जो बचे खुचेगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा. तो जरा देखिए हम लोग कहेंगे क्या, प्रश्न से ना कर रहा है तो ए 2 निकालेंगे. तो ए 2 बराबर हम लोग क्या कहते हैं, ए कम डी ना, तो कहेंगे ए प्लस डी. ठीक, तो ए प्लस डी कितना हुआ है, दिया हुआ है. तो कहेंगे ए प्लस डी हमारा दिया हुआ है कितना, तो 14. इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब जरा इसको मिटा देते हैं. फिर हमारा देखिए क्या दिया हुआ है, तो कहेंगे क्या, बाबू रे देख ए 3 देवल है. ए 3 हमारा कितना है, तो कहता है ए 3 मतलब ना, तो ए 3 मतलब ए प्लस 2d. तो 2d के वैल्यू 18. तो हम लोग कहेंगे क्या, हमारा ए 3 बराबर दिले है, इसको ना लिखेंगे, तो दिले है क्या ए प्लस 2d बराबर 18. तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, ए प्लस 2d बराबर 18 इक्वेशन नंबर सेकेंड. तब यहाँ पर हम लोग कहेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड, यानी कहेंगे समीकरण सेकेंड माइनस फर्स्ट करते हैं तो ज़रा आसान होगा. सेकेंड माइनस फर्स्ट से, तो ज़रा देखिए सेकेंड को पहले लिखेंगे, ए प्लस 2d बराबर 18, ए प्लस डी बराबर 14. अब ज़रा माइनस करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2d में से डी बराबर 18 में से 14 जाएगा तो क्या बचेगा. तो हमने कहा क्या कि डी का वैल्यू मेरे पास 4 आया. तो हमने कहा डी का वैल्यू आ गया तो कराए कामन पदों का योग ज्ञात करना है ना, तो हमारा ज्ञात करना है क्या, अरे देखी गर्मी है यानी गर्मी में पसीने चलते हैं, ठीक ना. तो जरा देखिए हम लोग कूलिंग ग्लास लगा करके चलते हैं, थोड़ा पसीना कम चले, पसीना दिखे ना, ठीक ना. अगर पसीना दिखेगा तो टेंशन तो यहाँ रहेगा कि परी पसीना चल रहा है, टपक रहा है पानी, तो पानी को ना टपकने देना है. एकदम कॉपी पेन लेना है और इस क्वेश्चन को प्रॉपर ढंग से नोट कर लेना है. पहले बने तो बनाना है, नहीं तो इसको नोट डाउन कर लेना है, उसके बाद बनाने का प्रयास करना है, ठीक है ना. तो ज़रा देखिए हमने डी का वैल्यू निकाल लिया तो कह रहा है क्या, और एन का वैल्यू हमें दिया हुआ था, कह रहा है टोटल 51 पदों का योग ज्ञात करना है. तो जब 51 को पद का योग ज्ञात करना होगा तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे हम लोग, एक एसिन का फार्मूला जानते हैं. क्या जानते हैं, एसिन का फार्मूला जानते हैं. एसिन बराबर क्या होता है जी, तो हम लोग कहेंगे एन बाई 2 ए प्लस एल, ठीक ना. तो बताइए इसमें एन की संख्या है क्या देवल हमारा कहीं, तो एन की संख्या नहीं देवल है, गड़बड़ वाली बात है. एक के मालूम है क्या, ये भी नहीं मालूम है, गड़बड़ वाली बात है. तो हम लोग कहेंगे डी का वैल्यू अगर इसमें रखेंगे तो ए का वैल्यू निकल जाएगा का. तो जरा देखिए यहाँ पे लिखेंगे का, डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अभी डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो समीकरण फर्स्ट ही ना है, तो ए प्लस डी बराबर 14. अब बगल में लिखेंगे क्या, डी बराबर 4. तब बताइए यहाँ से ए का वैल्यू कहाँ आ जाएगा जी, ए प्लस 4 बराबर 14, तो ए बराबर कितना, तो हमारा 10. ए का वैल्यू आ गया 10 और डी का वैल्यू है 4. अब हमें ए और डी पता चल गया तब हम लोग कहाँ निकाल सकते हैं,
तो कह रहा है क्या एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करें। तो एन देवल है, क्या है एन देवल है, तो एन देवल है तो हम लोग जब हमारा एन देवल है क्या है सॉरी एन देवल है क्या है देवल एन देवल है एन कितना है 51 है। जब एन देवल है तो क्या हम लोग एन यानी लास्ट पद निकाल सकते हैं का, तो हम लोग एन भी फाइंड करना होगा। तो उस कंडीशन में कहेंगे का एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब एन पता नहीं है तो छोड़ देते हैं, का ए पता है तो ए 10 पता है, तो हमने यहाँ पे लिखा 10, एन पता है तो 51 लिखा माइनस 1, और डी पता है तो जी हाँ डी अभी अभी आया है 4, तो हमने कहा 10 प्लस 51 में से 1 गया तब 50 गुने 4 50 का कितना होता है 200, तो हमारा कितना आ गया यानी एन बराबर मेरे पास आ गया कितना तो 210 आया। ठीक है, हमारा अंतिम पद कितना आया 210 आया। जब अंतिम पद मेरे पास 210 आया तो क्या हम लोग ऐसे नहीं निकाल सकते हैं, तो जी हाँ, तो उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे ऐसे निकालेंगे। तो इससे इनका फॉर्मूला क्या होता है n/2 a प्लस l। ठीक है, तो n/2 इन का वैल्यू कितना आया 51, तो कहेंगे लोरे बाबू 51/2। अब जरा ए का वैल्यू कितना है खोजेंगे, ए का वैल्यू हमारा पास 10 है, 10 प्लस 210 बराबर में कहा जाएगा 51/2 × 220। अब एक काट देंगे 110 बराती, तो कहा जाएगा 51 × 110। जरा नहीं दिख रहा होगा नीचे ना, तो जरा देख लेते हैं कैसा वीडियो बन रहा है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो जरा देखते हैं थोड़ा सा हमें ऊपर करना होगा। ठीक है, अब लग रहा होगा सभी को दिख रहा होगा, ठीक है कोई दिक्कत, तो ज़रा देखिए थोड़ा सा हल्का वीडियोज़ नहीं दिख रहा था तो हम लोग थोड़ा सा दिखाने का प्रयास किए। अब ज़रा देखिए हम लोग पहुंच गए हैं 51 × 110 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या इतना मिलेगा, तो हम लोग कहेंगे क्या बाबू रे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 मिलेगा। तो हमारा एसएन का वैल्यू कितना आया, तो कहेंगे एसएन का वैल्यू हमारे पास 56 आया, तो हम लोग कह देंगे यानी जो हमारा एसएन पूछ रहा था यानी 51 पदों का योग, तो कहेंगे बाबू रे देख 51 पदों का योग कितना आएगा s/51, तो हमारा आएगा 5610। तो सबसे पहले देखिए हम लोग कुछ ही सेकंड में इस क्वेश्चन का सारांश देख लेंगे, थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही गर्मी आ गया है, थोड़ा सा इस गर्मी को हम लोग थोड़ा सा बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो ज़रा देखिए हम लोग फिर से बैक में आ गए हैं, कुछ ज़्यादा ही गर्मी है आज, तो ज़रा देखिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमने क्या किया। सो देखिए हमने किया एपी के 51 पद ज्ञात करने थे, तो एपी के 51 पद को हम लोग साइड में रखें। देखिए कि दूसरा और तीसरा पद दिया हुआ था, तो दूसरा और तीसरा पद से हमने क्या निकाला डी का वैल्यू निकाला, यानी ए प्लस डी और ए प्लस 2d करके, यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमने क्या निकाला डी का वैल्यू निकाला। डी का वैल्यू जैसे ही निकला तो हमने कहा क्या डी का वैल्यू निकल गया, अब डी के वैल्यू के बाद हमें ए का वैल्यू चाहिए, तो हमने ए का वैल्यू निकाला, ए का वैल्यू 10 आया। और जैसे ही ए का वैल्यू निकला तो कह रहा था 51 को पद, तो हम लोग ऐसे निकाल सकते थे, लेकिन उससे पहले हमें अंतिम पद चाहिए था, तो अंतिम पद के लिए हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फार्मूला को हमने क्या किया यहाँ पे पुटअप किया, तो पुटअप करते ही हमें अंतिम पद मिल गया। जब हमें याद रखी अंतिम पद मिला तो वैसे ही चुटकी में काम हो गया, हमारा एसएन का वैल्यू निकल गया, एसएन का वैल्यू निकल गया 5610 आ गया। तो बताइए ये हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया हो तभी लाइक कीजिएगा, अन्यथा लाइक करने की चेष्टा भी ना कीजिएगा, ठीक ना। तो फिर से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोज़ में इसी तरह के क्वेश्चन के साथ, आता रहूँगा, आप सभी का लार प्यार मिलता रहे। इस वीडियोज़ का भी व्यू उतना ही जाना चाहिए जितना कि पहले वीडियोज़ का व्यू गया है, उसकी अपेक्षा क्या उसकी अपेक्षा डबल होनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, फिर मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड और अगले वीडियोज़ में न्यू लुक में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ अगेन।